अगर आपके पास पैसा हो और वो पैसा अपनी मेहनत का हो तो क्या होगा? अरे भाई, जो चाहोगे आप वो खरीद सकते हो। इंडिपेंडेंट होने की खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। अब बात आती है कि ऐसा क्या करें। देखिए, सबसे पहले आपको अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना है। अब इसके लिए बारी आती है कि टैलेंट हम ऐसा कैसे पहचाने, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर गॉड ने ऐसी क्या गिफ्ट हमें किया है कि हमारी जो स्किल्स है वो सबसे अलग हैं। तो आपको क्या करना है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि अपना पैसा हमारे पास हो तो उसके लिए हम क्या करें। तो मैं आपको सिंपल सा एक सस्ता बिजनेस, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस सजेस्ट करूंगी, वो है यूट्यूब। यूट्यूब आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है यार, शूट कैसे करें, इसके लिए क्या है, मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊँगी। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार इसके लिए तो हमें आईफोन चाहिए होगा, इसके लिए तो हमें एक अच्छा माइक ख़रीदना होगा, इसके लिए तो हमें रिंग लाइट लेनी होगी, है ना, इसके लिए एक अच्छा सा टेबल हो, सेटअप हो। अब ये सब होने के बाद हमें अच्छा सा ड्रेसअप होना पड़ेगा। हम सब बिल्कुल भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, आप बिल्कुल फ्री में ये बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या चाहिए होगा। सिर्फ आपको एक मोबाइल चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको मोबाइल के बाद आपको क्या करना है। मैं आपको आज दो तरीके के सेटअप बताती हूँ जो आप फ्री में ही स्टार्ट कर सकते हो और अपनी पहली वीडियो आप आराम से शूट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वीडियो आप आराम से रोशनी में आपको बनानी है, नेचुरल लाइट आपके घर में होनी चाहिए। आपको क्या करना है, आपको लेनी है दो बाल्टी। अब बाल्टी सबके घर में होती है, वो डिपेंड करता है, दोनों बाल्टी बराबर है, छोटी बड़ी है, दोनों सबके घर में होती है। दो बाल्टी लेने नहीं, कुछ आपको बुक्स ले लेनी है, बुक्स भी सबके घर में होती है। बुक्स इसलिए लेनी, बुक्स क्या है जो है वो फिसलती नहीं है, ठीक है, आपको बुक्स ले लेनी। एक आपके घर पर कोई डंडा हो, कोई पाइप हो, जैसे मैंने ये पाइप लिया है, आप इस तरीके का कोई पाइप ले लें। पाइप के आगे आप क्या करें, इस पर कागज़ आप लपेट दें ताकि आप इस पर अपना मोबाइल जब रखेंगे तो इस पर स्क्रैच ना आए। आपको अब क्या करना है, एक रबर बैंड ले लेना है और मोबाइल को, जैसे आप पाइप इस पर रखा, इसके ऊपर बुक्स रखी, अब हम रखते हैं मोबाइल को इसके ऊपर और इसमें लगा दिया रबर बैंड। ये हमारा सेटअप रेडी हो गया। देखिए कितना अच्छा शूट हो रहा है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आ रही है नेचुरल लाइट, तो आपको रिंग लाइट की भी ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप ऐसे ही स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी और आप अच्छे अच्छे स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे क्राफ्ट्स बनाइए। आप देखना पहली वीडियो ही आपकी कितनी अच्छी ग्रोथ करेगी। उसके बाद चलिए दूसरे सेटअप के बारे में बात करते हैं। आपके घर पे बेड होगा या कोई टेबल होगा, और मैं आपको यूज करके बता रही हूँ, किचन वाला जो लेंटर होता है, मीन जो स्लेप होती है, उसके ऊपर हम इसको रखेंगे। आप इसको बेड के ऊपर भी रख सकते हैं। बस सेम ऐसे वो बुक्स लेनी है, ये पाइप इसको ऐसे रखा, इसमें मोबाइल लगा हुआ है पहले से, बुक्स को इससे कोई भी भारी सामान से आप इसको दबा दो। बट बुक्स मैंने इसलिए लिए, वो एक जगह जम के आराम से, उसमें वेट होते हैं, एक जगह वो जम जाती हैं। बस रेडी हो गया सेटअप, देख कितनी अच्छी शूटिंग हो रही है, और इसमें भी क्या है, मेरी विंडो से जो है वो नेचुरल लाइट आ रही है। तो ये थे हमारे दो आज के सेटअप। तो एक सेटअप से जो मैंने बास्केट के ऊपर रखा हुआ है, वो उस वाले से आज मैं आपको बना के सिखाऊंगी जिराफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैंने जिराफ को कैसे बनाया। आप इससे बेसिक नॉलेज लेना कि जिराफ को मैं किस तरीके से बना रही हूँ, तो आपको भी अपने क्राफ्ट को ऐसे ही बनाना है। कुछ चीज़ें छुपी हुई होती है बट उसका जो रिजल्ट होता है वो ज़्यादा ईजी होता है। तो चलिए जिराफ स्टार्ट करते हैं। बस मैं आपको सिंपल से एक बात बोलना चाहूँगी कि आपको हमेशा काम को करने से पहले उसका रिजल्ट नहीं देखना, आपको एक अच्छी सी प्लानिंग करनी है। किसी भी काम को करने से पहले अगर आपका काम बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से अपना, मैं क्राफ्ट की ही बात करते हैं चलिए हम, अगर आपने बहुत अच्छा सा क्राफ्ट बना, एक है नॉर्मल अपना कोई भी फूल वगैरह बना दिया, ठीक है, और एक आपने बनाया अलग से कुछ इस टाइप का कि हाँ आपने कार्डबोर्ड लेके उसकी कुछ अलमीरा वगैरह बना दी, या आपने उसका कोई फ्लावर पॉट वगैरह बना दिया जो एक्सपेक्ट ही नहीं था, तो आपके माइंड की इन्वेंशन है। तो आपकी ग्रोथ इतनी अच्छी होगी, इतनी अच्छी होगी, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि आप अपनी पहली वीडियो को ही मिलियन में व्यूज़ अपने ला सकते हैं। तो आप उस तरीके से ट्राई करें। अब जिराफ का आप साथ साथ देख सकते हैं कि मैंने कैसे इसको वेस्ट मटेरियल से बनाया। ये पन्नी सबके घर पर होती है, तार सबके घर पर होता है, बस सिंपल सा आपको ये मैंने मम्मा और इसका बेटा बनाया है, नहीं मैं इसको मम्मा और बेटी बोलूँगी, आप इसको कोई भी बोल सकते हैं, ये दो फैमिली मेम्बर है। बस सिंपल सा फिर क्या करना है, वॉल पुट्टी से तो मेरा पुराने टाइम का लेना देना है, किचन के सामान सारे उठा लेती हूँ। ये चाकू जो टूटा हुआ था उस, जिसको छुरी बोलते हैं ना,
चाकू छुरियाँ तेज करा लो, ये वो वाली छुरी है, और इसका जो है पीछे पकड़ने वाला होल्डर जो है उसको हमारे यहाँ तो बिट्टा बोलते हैं, वो टूट गया था, तो मैंने इसको अपना रख लिया अपने पास में, और अब ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आता है। और इस पे जो मैं घोल लगा रही हूँ, आपका फिर क्वेरी आएगी कि भाई ये क्या घोल में पुताई कर रही है, ये मैंने कुछ नहीं वोल पुट्टी और इसमें थोड़ा सा फेविकोल डाला, पानी डाल के इसका घोल बना के और इसको चिपका दिया है। फेस रेडी हो रहा है जिराफ का, जैसे जैसे जिराफ बनता है। मैंने इसको कैसे बनाया, कोई मैंने अपनी साइड से दिमाग नहीं लगाया, मैंने गूगल से इमेज डाउनलोड की और अपने दूसरे मोबाइल में अपनी आंखों के सामने इसको रख लिया। बस जैसे जैसे उसमें फेस बन रहा था वैसे वैसे मैंने इसको बनाया, मैंने इसको कहीं से कॉपी नहीं किया। हाँ, मैंने इसको गूगल से कॉपी किया जो इसकी नेचुरल फ़ोटो है। अब मुझे इसको बनाने में, अभी देखिए इसके सींग बन गए, इसके कान बन गए। सबसे डिफ़िकल्ट जो पार्ट इसमें आया भाई, वो आया इसका पेंट करने में। मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ, मैंने सोचा यार इतना ईजी है, इसको तो इतने आराम से मैं बना दूंगी, बट जब मैंने इसका पेंट किया, ओ गॉड यार, रात को मुझे 2:30 बज गया इसका पेंट करते करते, पर मज़ा आया। फिर उसके बाद नींद जो है वो थोड़ी सी टूटी फूटी आई, क्योंकि एक बार ना मेरी नींद को क्या हो जाता है यार, एक बार जग जाती हूँ तो फिर उसके बाद ना 10 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आती। और अभी जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आज मुझे फिर से अभी 10:30 हो चुके हैं, आज फिर से मेरी नींद की टाइटाई फीस होने वाली है। और वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक कर देना, देखो बिल्कुल रियल वाला जिराफ लग रहा है, बट हम इस जिराफ को वाइट नहीं, इसको डिज़ाइन वाला जिराफ बनाएंगे, जो रियल वाला जिराफ होता है। तो वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, देखिए इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और क्राफ्ट बनाऊंगी और मैं अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए अब बारी आती है इसको रब करने की। इसके ऊपर मैंने सारा जो जो लगा लिया था वोल पुट्टी जितनी लगाई थी शेप, भाई आप अपना जिराफ मोटा बना सकते हो, अपना जिराफ पतला बना सकते हो, आप अपने हिसाब से अपने जिराफ को जैसे आप खुराक उसको लगाएंगे वैसे वो बनेगा। मेरे वाला जिराफ अच्छा, ये मोबाइल में पता नहीं क्यों इतना सुकड़ू सा लग रहा है, रियल में तो अच्छा खासा पेट भी है इसका, इसका बच्चा भी है वो रहा, बट इसका बच्चा ना ज़्यादा हेल्दी है। वैसे कुछ बच्चे ना गोलू मोलू से होते हैं, इसका बच्चा भी गोलू मोलू है। तो बस अभी इसके पेट पे जो है एक लेयर मैं और लगाऊंगी, ताकि इसका पेट जो है थोड़ा सा और सुंदर बन जाए। और इसके नीचे मुझे थोड़ा सा यूनिक आइडिया लेना था कि इस एक होता है कि सिंपल ऐसे ही खड़ा कर दिया स्टैंड से पे, और मुझे ना इसके नीचे थोड़ा सा इसको अलग सा लुक देना था, कि जैसे ये पेड़ों घास होती है ना नीचे, और घास में एक आध पत्थर भी पड़ा हुआ है, ये उस पे खड़ा हुआ है दोनों माँ बेटा, और जस्ट स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मीन दूर दूर तक देख रहे हैं कि हाँ भाई जंगल में क्या है, शेर तो नहीं आ रहा है। अब पता नहीं यार मुझे ऐसी कहानियाँ बनाने का क्यों शौक चढ़ गया है। हाँ, इसको रेक माल से काम पे ध्यान लगा लेती हूँ, है ना। वैसे आप लोगों को देख के ही समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बना रही हूँ, कैसे कैसे बना रही हूँ, बस पता नहीं क्यों। हाँ भाई, ये जो सूखे हुए कलर है ना, ये कलर मैं आपको बताती हूँ, आज से कम 12 साल पहले ना हमारे पड़ोसियों के घर में पेंट हुआ था भाई, और उनकी छत पर पड़े हुए थे, तभी दीदी ने डब्बी उठाई थी और ये डब्बी हमारे घर में अंदर रखी हुई थी, और अब ये मेरे अब काम आ रही है। सूख गया कलर कभी चाकू से निकालती हूँ, कभी ब्रश के पीछे डंडी से निकालती हूँ, और फिर इनको कलर घोल पोल के, मतलब मैं जुगाड़बाजी करके लगाई लेती हूँ। इतना टाइम हो गया मैं कलर ही नहीं खरीद रही हूँ, फीका कभी गाढ़ा कभी कोई करके जुगाड़बाजी मेरी चल रही है। हाँ, बारी आती है भाई, मैंने इसको पूरा ये वाला कलर कर दिया। अब मैंने इतना सिंपल दिमाग लगाया, मैंने कहा ब्राउन कलर करके ठीक है, और उसके ऊपर कर देती हूँ वाइट कलर से डिज़ाइनिंग, और सिंपल इसका डिज़ाइन बन जाएगा। बट ऐसा नहीं है, अभी आप बस बने रहिए। इतना इसने मेरा दिमाग ख़राब किया, मैंने कहा भाई मैं इसको इतना ईजी समझ रही थी, अब देखिए देखिए कैसे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई फूल फुलवाड़ी बना दी हो इसके ऊपर, इतना अजीब मुझे लगा। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, अभी देखिए ब्रश से कितना अजीब ये लग रहा है, अभी पूरा इसको ब्रश पे बन गया है, अभी बिल्कुल भी आपको जिराफ नहीं लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है किसी जिराफ के ऊपर मैंने फूल बना दिए। अब देखिए मैं समझाती हूँ मैंने कैसे किया, पहले नीचे ब्राउन किया, उसके ऊपर मैंने वाइट डिज़ाइन बनाए ब्रश से, उसके ऊपर फिर मैंने डार्क शेड बनाई ब्राउन कलर की इसकी, मतलब ये जो कोकोला कलर इसकी, फिर उस जो बॉक्सेज बने थे उसमें मैंने इसको फिल किया, समझ गए आप। फिल करने के बाद फिर मैंने वाइट आउटलाइन बनाई,
अब ये देखना धीरे 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 धीरे, आप जब फाइनल देखिए बन गया ना जिराफ, इतनी फाइनल इसकी डिटेलिंग, इतनी फिनिशिंग के साथ मुझे करनी पड़ी, मीन इतनी बारीकी के साथ, पर फाइनली मैं सेटिस्फाइड हूँ। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, मैं तोड़ मरोड़ के टेढ़ा मेढ़ा लगी रहती हूँ, मेरी पूरी पूरी रात भी निकल जाती है। बट नहीं करना है तो परफेक्ट करना, वरना नहीं करना। आप देखिए फाइनल दोनों जिराफ का जो डिज़ाइन है बिल्कुल नेचुरल बना है। अभी थोड़ी डिटेलिंग में करूँ, जैसे घुटने थोड़े काले निशान रहते घुटने पे, जो कान होते थोड़े से अंदर की साइड से ब्लैक होते हैं, थोड़े से नोज जो है वो अंदर से ब्लैक होती है, सींग हल्के से ऊपर से ब्लैक होते हैं, तो इस टाइप से। वॉर्निश में देखिए कितनी शाइन कर रही है वॉर्निश। मैंने ना एक्रिलिक वाली वॉर्निश नहीं ली, क्योंकि जब भाई एक्रिलिक कलर ही नहीं ले तो वॉर्निश कैसे मैं एक्रिलिक लूँ। ये मैंने ली वुड वॉर्निश, और शाइन आप इन जिराफ की देख सकते, इतनी ज़्यादा शाइनी है। कैसे लगे आपको जिराफ और मेरे जो आपको मैंने दो सेटअप बताए बाल्टी पे और लेंटर पे रखे, उसके लिए एक लाइक जरूर बनता है। वीडियो जरूर लाइक कर देना, मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।